बहुत फायदेमंद है पपीता, हमारे घर में शौक से मंगवाया जाता है। बिल्कुल हाँ हाँ, बच्चों को कोई शौक नहीं है, बच्चों के अब्बा को बहुत शौक है। मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ पपीता, क्योंकि मैं ज्यादा डाइट करती हूँ, है ना, तो मुझे लगता है ये टोटल आपका मील है, आप खा लो, आपको और चीजें खाने की जरूरत ही नहीं। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो दादा या नाना है वही पपीता मंगाते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के लिए ये फल है। उसके बाद जब अकल आई तो पता चला कि ये तो कितना फायदेमंद फल है ना, और जो फायदे है खवातीन के लिए, बहुत ही अच्छी चीज है, मर्दों के लिए तो है ही लेकिन खवातीन के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आप पपाया का इस्तेमाल करें पपीते का, तो आप बहुत सारे अमराज से बच सकते हैं। अच्छा, हॉर्मोन्स के स्पेशल, बिल्कुल के फल तो बेहतरीन है ही, और हमारे लिए ऑनर है कि कराची ही की पैदावार है, और हमारे लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन फल बहुत कम दामों पर मिल जाता है, और बहुत महंगा भी नहीं होता, मुनासिब होता है, मुनासिब। जी जी, पंजाब के लोग पीते की तो अभी लूट मरने वाली है, अभी जो बकरा ईद करीब है, अरे भाई ऐसा पेस्ट बना के रखा जाएगा। कच्चा पपीता भी जब आप खास किसी गोश्त में या किसी मैरिनेशन में डालते हैं, गिलावट के कबाब, मलाई बोटी, मलाई बोटी जो बारबेक्यू आइटम है उसमें, कितना कोई ये डिलिशियस कर देता है, बहुत मजेदार कर देता है ये कच्चा पपीता, बहुत ही जबरदस्त। इसके प्रोटीन विटामिंस को बिल्कुल हिफाजत के साथ रखते हुए इसको बनाते हैं, जबकि हम बाजार से कोई पाउडर ले आए, कोई ऐसा केमिकल वाला पाउडर जो गोश्त को गला देगा, लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये कच्चा पपीता आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके गोश्त को भी गला देगा, तो इसको इस्तेमाल करें। अच्छा सा लेस भी लिया, लेस भी लिया। अच्छा, मैं कहना चाहूंगी खासतौर पे वो खवातीन जिनके बेबीज होते हैं उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा मुझे किसी ने बताया था। आई डोंट नो, स्ट्रॉबेरी तो हर जमाने में नहीं होती, लेकिन पपीता, खरबूजा और स्ट्रॉबेरी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता था, और ये ना कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि वो जो डिलीवरी के बाद जो खातून है उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत स्टिचेस वगैरह होते हैं तो बहुत उसको तकलीफ से सहना पड़ता है, इसलिए उस वक्त पे खास तौर पे पपीता, वो होता ना उनको डर लगता है कि हाय दूध में पपीता का वो आएगा असर, तो बच्चे को मोशन ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, जिन बच्चियों को एक्नी निकलती है तो हम जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन होती है ज्यादातर, होती है 70% होती है उनको एक्नी निकलता है, वो भी अपनी डाइट में ले, तो आपका जब पेट ठीक होगा तो आपके ऑटोमेटिकली फेस जो है, फेस का ताल्लुक आपके पेट से होता है, वो साफ होगा तो आपका फेस क्लीन साफ होगा, कोई झाइयां नहीं होगी, कोई एक्नी नहीं होगा। तो आप अपना पपीता रूटीन में रखें, एक बॉल 50 ग्राम तक आप खाएं, डेली खाएं, और आपको हर मौसम में मिल भी जाता है पपीता। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि बॉडी में जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, जी बॉडी में जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, अगर पपीते का इस्तेमाल किया जाए तो जो एकदम से होता है ना, रात को चीख के उठते हैं कि नस पे नस चढ़ गई, बिल्कुल नहीं हो जाते हैं ना। एक पपीता आप रोजाना खाएं, 15 दिन खाएं, आप देखें आपकी ये जो वेन्स की बीमारी है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी वेन्स में ब्लड फ्लो को इतना अच्छा कर देता है, तो आपको क्रैम्प्स नहीं पड़ते, और उसके विटामिंस और मिनरल्स जो हैं वो आपको पूरी तवानाई देते हैं, जिसकी वजह से क्रैम्प्स नहीं पड़ता।